हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉर एवर लर्नर में। फ्रेंड्स, आज फिर मैं लेकर आई हूं आपके सामने आपकी इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 10, आर नेशनल फ्लैग ऑफ सेकंड क्लास। फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड की है, मुझे उम्मीद है कि उससे आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट आज चैप्टर नंबर 10 इज आर नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय झंडा। फ्लैग क्या होता है? झंडा, ठीक है। लुक एट दिस फ्लैग, कि इस फ्लैग को देखो, इस झंडे को देखो। इट इज़ द फ्लैग ऑफ इंडिया, यह भारत का झंडा है। इट इज़ द फ्लैग ऑफ आर कंट्री, यह हमारे देश का झंडा है। इट इज़ आवर नेशनल फ्लैग, यह हमारा राष्ट्रीय झंडा है। वी कॉल इट ट्राईकलर, हम इसको क्या कहते हैं? ट्राईकलर। वी कॉल इट द तिरंगा आल्सो, और हम इसको तिरंगा भी बोलते हैं। इट हैज़ थ्री कलर्स, इसमें कितने कलर्स होते हैं? थ्री कलर्स होते हैं, द सैफ्रॉन, द वाइट एंड द ग्रीन। सैफ्रॉन, वाइट एंड द ग्रीन, ये क्या है? सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन। सैफ्रॉन कौन सा कलर होता है? ये केसरी कलर। वाइट सफ़ेद, ग्रीन हरा। द सैफ्रॉन इज़ द टॉप, और टॉप में कौन सा कलर है? सैफ्रॉन। द ग्रीन, ग्रीन इज़ एट द बॉटम, और जो ग्रीन कलर कहाँ है? नीचे। द वाइट इज़ बिटवीन द सैफ्रॉन एंड द ग्रीन, और जो वाइट कलर है वो कहाँ है? सैफ्रॉन और ग्रीन के बीच में है, ठीक है। इन द मिडल ऑफ द वाइट पार्ट देयर इज़ अ व्हील ऑफ चक्रा, अब जो कह रहे हैं कि जो ये वाइट पार्ट है, वाइट फ्लैग का जो ये वाइट हिस्सा है, इसके बीच में एक चक्र होता है, ये है चक्र। इस चक्र को क्या कहते हैं? वी कॉल इज़ द अशोका चक्र, इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट द अशोका चक्र, इसको हम क्या कहते हैं? अशोका चक्र। इट हैज़ 24 स्पोक्स, स्पोक्स क्या होती हैं? जो ये लगी होती है छड़ियाँ सी, ठीक है, इसको कहते हैं स्पोक्स। कि इट हैज़ 24 स्पोक्स, इसमें 24 स्पोक्स होती हैं, ये 24 होती हैं, इनको अगर काउंट करें तो ये 24 होती हैं। इट्स कलर इज़ नेवी ब्लू, और इसका कलर कैसा होता है पूरे इस चक्र का? नेवी ब्लू। द थ्री कलर एंड द चक्रा इन आर फ्लैग हैव अ स्पेशल मीनिंग, कहते हैं कि जो ये तीन कलर हैं हम और ये जो चक्र है हमारे झंडे में, इनका एक स्पेशल मीनिंग होता है। सैफ्रॉन इज अ साइन ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस, करेज क्या होता है? साहस, और सेक्रीफाइस क्या होता है? बलिदान। द सैफ्रॉन इज अ साइन ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस, सैफ्रॉन कौन सा कलर? ये वाला कलर सैफ्रॉन, केसरी रंग हमें ये बताता है कि साहस और बलिदान का प्रतीक है, जो केसरी रंग है वो साहस और बलिदान का प्रतीक है। इट टीच अस टू ब्रेव, ब्रेव क्या होता है? बहादुर। इट टीच अस टू ब्रेव, यह हमें बहादुर बनना सिखाता है। इट टीच अस टू हैव नो फियर, यह हमें सिखाता है कि हमें डर ना हो। द वाइट इज अ साइन ऑफ ट्रूथ एंड पीस, ट्रूथ क्या होता है? सच्चाई, और पीस शांति। द वाइट इज अ साइन ऑफ ट्रूथ एंड पीस, और जो सफेद कलर है, जो सफेद रंग है, यह सच्चाई और शांति का प्रतीक है। इट टीच अस टू बी ट्रू, यह हमें सच बोलना सिखाता है। इट टीच अस टू लव ऑल मैन, कि यह सभी पुरुषों से प्यार करना सिखाता है। द ग्रीन इज अ साइन ऑफ फेथ इन गुडनेस, फेथ क्या होता है? विश्वास, गुडनेस अच्छाई। और जो हरा रंग है, जो ग्रीन कलर है, जो हरा रंग है वो अच्छाई में विश्वास का प्रतीक है। इट टीच अस टू बी काइंड एंड जेंटल टू ऑल, कि यह क्या सिखाता है हमें? दयालु और सज्जन बनना, कि यह हमें दयालु और सज्जन होना सिखाता है। इट टीच अस टू हेल्प द वीक एंड द पुअर, कि यह कमजोर, वीक क्या होता है? कमजोर, यह कमजोर और गरीबों की सहायता करना सिखाता है। द व्हील इज अ साइन ऑफ चेंज, और जो इसमें जो व्हील है, ये जो गोल चक्र है, ये क्या है? ये चेंज, ये बदलाव का प्रतीक है, चेंज का, बदलाव का प्रतीक है। इट इज अ साइन ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड क्या होता है? आगे को।
इट इज अ साइन ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, ये हमें आगे बढ़ना सिखाता है. इट टीच अस टू मूव ऑन द पाथ ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस, प्रोग्रेस कहता है प्रगति, पीस शांति, कि यह हमें शांति और प्रगति के रास्ते पर चलना सिखाता है. पाथ क्या होता है? रास्ता. शांति और प्रगति के रास्ते पर चलना सिखाता है. Thus our national flag is a sign of all the good things, कि इसलिए हमारा राष्ट्रीय झंडा सभी अच्छी चीजों का प्रतीक है. It teach us to be good in every way, कि यह हमें हर तरह से अच्छा होना सिखाता है, कि हमें हर तरह से अच्छा होना सिखाता है. We salute our national flag, कि हमें कि हम अपने राष्ट्रीय झंडे को क्या करते हैं, सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं. वी आर प्राउड ऑफ अवर नेशनल फ्लैग, कि हमें अपने राष्ट्रीय झंडे पर गर्व है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 10, अवर नेशनल फ्लैग. तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा.